नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के साथ कामक्षी डोगरे। बीजेपी में अब आपसी दुश्मनी जो है वो देखने को मिल रही है। जी हाँ, बीजेपी पार्टी के बीच में जो कार्यकर्ता है उनकी जो है अब शायद आने वाले समय में बीजेपी से दुश्मनी देखने को मिल जाए। ये मैं बात इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज बीजेपी के एक सीनियर लीडर चंद्रमोहन शर्मा जी ने जो है वो पार्टी से रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने के बाद ये भी कहा कि अब मैं जो है वो इंडिपेंडेंट इस इलेक्शंस में खड़ा होऊंगा, क्योंकि जिस बार टिकट को दिया गया है जिन कैंडिडेट्स को, तो इस बार चंद्रमोहन जी को ये उम्मीद थी, चंद्रमोहन शर्मा जी को ये उम्मीद थी कि उनको भी मिलेगी टिकट, लेकिन उनको ये टिकट नहीं मिली, जिसके बाद उनको ये लगा कि मुझे पार्टी से रिजाइन कर देना चाहिए, और उन्होंने पार्टी से रिजाइन किया और ये कहा कि अब मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो खड़ा हूं। जब बीजेपी ने अपनी लिस्ट आउट की थी कैंडिडेट्स की, और जिसको उसके बाद उनको एक्स से हटाना पड़ा था, अपने ट्विटर के अकाउंट से हटाना पड़ा था, और उसके बाद हमें पार्टी कार्यालय में जो है वो हंगामा भी देखने को मिला। लोग आ रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि ये व्यक्ति जो है वो ज्यादा डिजर्विंग है, लेकिन आपने इसको टिकट क्यों नहीं दी। उसको लेकर लगातार बीजेपी कार्यालय में जो है वो प्रदर्शन देखने को मिला, चाहे उसके अगले दिन महिलाओं ने भी प्रदर्शन किया, वो भी देखने को मिला। कारण यही था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन इस बार सही तरीके से नहीं की गई, जैसा पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे वैसे नहीं की गई, जिसके बाद आपने देखा कि बहुत से चेहरे जो हैं और पार्टी के वर्कर्स जो हैं जिन्होंने पार्टी से रिजाइन भी किया। इसके चलते मैं आप सभी को बता दूं, जम्मू कश्मीर में लगभग 10 साल के बाद इलेक्शंस जो है वो अनाउंस हुए थे, और जिसको लेकर बहुत से ऐसे चेहरे थे जिनको उम्मीद थी कि इस बार उनको टिकट दिए जाएगी, परंतु टिकट ना मिलने के कारण उन्होंने साफ तौर पर अपना गुस्सा जो है वो पार्टी के प्रति दिखाया, रिजाइन भी किए, और ये भी तक कह दिया कि अब जो है मैं खुद इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ूंगा। उन्होंने साफ तौर पर ये पार्टी को धमकी दी कि अगर आपने टिकट मुझे नहीं देनी कोई बात नहीं, मैं रिजाइन करता हूं और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर जो है वो ये असेंबली इलेक्शंस लड़ूं। जाहिर सी बात है, ये असेंबली इलेक्शंस में जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल गर्मा गर्मी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि लोगों को दिक्कत हो रही है, पार्टी के वर्कर्स को दिक्कत हो रही है कुछ नामों से, कुछ चेहरों से जिनको इस असेंबली इलेक्शंस में टिकट दी गई। ये खबर सुन के आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जय हिंद जय भारत।